हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिवाइन गैलरी। और मेरा नेम है मंजू कुशवा, मैं एक ज्वेलरी डिज़ाइनर हूँ, साथ ही साथ एक ऑनलाइन सेलिंग कोच भी हूँ। और मैं सिखाती हूँ लोगों को कि किस तरह वो सेल्फ इंडिपेंडेंट बनेंगे, अपना खुद का एक बिजनेस रन कर सकते हैं और सक्सेसफुली अपना एक ब्रांड क्रिएट कर सकते हैं। मेरा जो यूट्यूब चैनल है उन लेडीज़ के लिए, उन लोगों के लिए डेडिकेटेड है जो अपना खुद का कुछ करना चाहते हैं और खुद सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं। तो मैं अपने YouTube चैनल से उन लोगों को एक प्लेटफॉर्म देना चाहती हूँ, गाइडेंस देना चाहती हूँ, जिससे वो खुद अपना कुछ कर सकें, क्योंकि हाथ का हुनर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसी से रिलेटेड है मेरी आज की ये वीडियो, जिसमें एक बहुत ही सुंदर सा लॉन्ग नेकलेस सेट मैं आप लोगों को सिखाऊंगी। जो मेरे ज्वेलरी कोर्सेज हैं उसकी इन्फॉर्मेशन के लिए आप नीचे देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और आज की इस वीडियो में मैंने एक ग्रीन कलर का लॉन्ग नेकलेस सेट सिखाया है, जो होपफुली आप लोगों को पसंद आएगा। और अगर पसंद आता है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, अप्रिशिएट ज़रूर कीजिएगा, बिकॉज बहुत हार्डवर्क लगता है इन सब कामों के लिए। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। और आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे एक लॉन्ग नेकलेस अगेन। मैं कोशिश करूंगी सभी वैरायटीज़ आप लोगों को बताने की, सिखाने की, जिससे आप लोगों का स्किल जो है एनहेंस हो। और तो चलिए मैं आज की वीडियो स्टार्ट करती हूँ। देखिए, इसके लिए मैंने लिए हैं ये वाले जो कुंदन का ब्रॉच टाइप होता है ये, और इसमें इस तरह से होल्स होते हैं बेसिकली। मैंने ये 4 लिए हैं और मैंने कनेक्टर्स लिए हैं ये वाले, मेरे पास जो अवेलेबल है ये वाले कनेक्टर्स। इसका जो होल है ऊपर की साइड में होता है, अगर आपके पास बैक साइड वाले हैं तो आप वो भी ले सकते हैं, जैसा भी आपके पास है आप वो ले सकते हैं। एंड डोरी है मेरी, और मैं इस तरह की जो स्मॉल सो सॉरी एक्चुअली थोड़े से बीड्स इसमें मिक्स हैं, ओके सो बट मैं इस तरह के स्मॉल ग्रीन कलर के जो बीड्स हैं इनको यूज़ करूँगी, और इन्हीं से ही हम अपना कुछ लॉन्ग नेकलेस सेट टाइप का बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो, कैसा लगेगा ये। तो सबसे पहले हम इससे स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लेंगे हमारी गियर वायर। गियर वायर इसको हमें थोड़ा बेस बनाते हैं, इसको हमें जो सेट करना है वो इस तरह से करना है, ऐसे करना है, ओके इस तरह से करना है सेट। और ये जो कनेक्टर है मैं चाहती हूँ ये इधर आए, इस तरीके से ये जो लॉन्ग सेट है बनेगा। अभी रिसेंटली मैंने मोनालिसा लॉन्ग सेट भी बनाया है, एंड आप लोग वो भी चेकआउट कर सकते हैं। उसी से ही कुछ इंस्पायर होके हम ये वाला भी लॉन्ग नेकलेस सेट जो है बनाएंगे। तो उसके लिए पहले हम डबल वायर लेते हैं, कोशिश करेंगे कि कम लॉक्स लगाने पड़े हमें, क्योंकि ज़्यादा खिचड़ी नहीं बनानी है हमें बेसिकली। तो देखिए, पहले मैं इतना जो मैंने गियर वायर लिया है उसको हल्का सा मैं नाप लेती हूँ इस तरह से। इतना स्टार्टिंग की 2 लेयर्स के लिए काफी है। कट कर दिया, एक छोटा रखा है मैंने और एक बड़ा रखा है। इसको मैं इसके अंदर से डालूंगी, सॉरी ये छोटा वाला पार्ट मुझे आगे रखना है, ऐसे। अभी मेरा सेंटर पार्ट आ गया, अब इसमें मैं बीड्स डालूंगी। सबसे पहले मैं आगे वाली लेयर को कंप्लीट करती हूँ, और काउंटिंग मुझे याद रखनी है। ये देखिए, मैंने 4 डाले हैं, अब इसके
अंदर एक स्मॉल सा जो होल है, सबसे कॉर्नर वाला पहले मैंने लिया है, क्योंकि मुझे कॉर्नर पे फर्स्ट लाइन आ रही है ये इस तरह से। ओके अगेन मैंने फोर लिए हैं एंड देन अगेन इसके कॉर्नर वाली साइड पे नीचे ऐसे। ओके ये मैंने अभी 10 लिए हैं। ओके अभी मैंने 10 लिए हैं और इसके इस वाली साइड से मैं इसे अंदर करूंगी ऐसे। देन अगेन यहाँ पे 4 थे तो मैं अगेन 4 वाला सीक्वेंस रिपीट करूंगी। ऐसे ये मेरी अभी इसके अंदर की पहली लाइन बनी है। ओके ये अभी हमारी फर्स्ट लाइनिंग है। अब देखिए इसका जो सेकंड वाला वायर है उसमें भी मैं सेम ही सीक्वेंस रिपीट करूंगी। देखिए मैंने यहाँ पे फोर करे हैं। अब यहाँ पे मैंने पहले 10 किए हुए थे बट अब मैं 10 से ज़्यादा करूँगी। अब देखिए यहाँ पे मैंने 12 बीट्स डाली हैं, ये 10 है ये 12 है। अब अगेन मैं 4 4 का सीक्वेंस रिपीट करूंगी, जैसा यहाँ 4 है यहाँ 4 है। ओके तो ये देखिए मैंने इधर तक पूरा कंप्लीट कर लिया है। अभी मैंने लॉक बीड नहीं लगाई है, अभी बस मैंने ऐसे ही कंप्लीट किया है पूरा इधर तक। अभी मेरी गियर वायर ऐसे ही ओपन है। अब मैं इधर से गियर वायर स्टार्ट करूँगी, इधर फिनिश करूँगी। पहले से थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही लेना पड़ेगा क्योंकि इस बार हमारी लेयर थोड़ी बड़ी होगी एज़ यूजल प्रीवियस लेयर। एंड देखिए कभी आपकी गियर वायर एक्स्ट्रा हो जाती है और आप कट करते हैं तो वो एक्स्ट्रा कट वाले पार्ट्स को आप संभाल के रख सकते हैं, क्योंकि उसमें है ना क्या है कि कभी कुछ ऐसा है कि कुछ और चीज़ बनानी है, कुछ स्मॉल कनेक्ट करना है, तो उस सिचुएशन में आपको वो अपना जो कटिंग वाली जो वायर है वो ही यूज़ हो जाती है। इसमें देखिए जो 5 होल है, मैं सेंटर का होल छोड़ के उसके आइट साइड वाले जो होल्स हैं उसमें वायर को डाल रही हूँ ऐसे। एक मैं लॉक इस साइड लगाऊंगी, एक लॉक मैं इस साइड लगाऊंगी। अब सेम ही पैटर्न मुझे फॉलो करना है, 4 यहाँ 4 यहाँ, और फिर मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ मैंने क्या फॉलो किया है। तो फ्रेंड्स देखो मैंने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है 4 4 लाइनिंग से। अब यहाँ पे 10 12, अब यहाँ पे 14, जो इसकी लास्ट वाली जो लेयर है उसमें मैं 14 बीट्स को ऐड करूँगी। देखिए इस तरह से यहाँ पे मैंने 14 बीट्स को ऐड किया है। देन अगेन मैं यहाँ पे 4 एंड देन यहाँ पे अगेन मैं 4 करूँगी और यही सीक्वेंस मेरे जो लास्ट वाली लेयर है उसके साथ रिपीट करूँगी, 10 12 14 एंड 16। ओके यही सीक्वेंस। अब उसके बाद यहाँ तक कंप्लीट करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ उसका फाइनल लुक। तो फ्रेंड्स देखो यहाँ तक मैंने पूरा अपना कंप्लीट कर लिया है। अब हमें इसमें लॉक लगाना है, बट लॉक लगाने से पहले आपको ये सब चेक कर लेना है कि
कोई भी गैपिंग ना हो। देखिए जैसे इसमें गैपिंग आ रही थी नीचे, तो इस तरह से मैं पहले सब सेट करना चाहती हूँ। बेसिकली ये लास्ट, ये वाली वायर की स्टार्टिंग की 2 वायर नहीं, ये लास्ट वाली 2 वायर्स को मैं ऐसे करके सबको एडजस्ट करूँगी पहले। इस तरह से, और लॉक बिट निकाली हमने। ये देखिए अब पूरा का पूरा सेट हो गया है। इसको यहाँ इसके नीचे गैप नहीं होना चाहिए। बेसिकली जैसे मैंने सेट किया, थोड़ा सा आपको ये टैप टैप करना पड़ेगा जिससे इसका पूरा जो सीक्वेंस है वो आ जाए। और जब हम इसे लगा देंगे ना लॉक यहाँ पर से, तो ये पूरा का पूरा ठीक हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो इसमें मैं पहले एक लॉक लगा देती हूँ। ऐसे, और ये देखिए ये हमारा अब बिल्कुल ठीक आ गया। जैसे हमने लॉक लगाया है बिल्कुल सीक्वेंस में आ गया है। तो इस तरीके से आप अपना ये वाला नेकलेस जो है वो बना सकते हैं। आप चाहे तो इसकी बीट्स भी बढ़ा सकते हैं। मैंने ये थोड़ा सा इस वे में बनाया, आप इसकी बीट्स भी बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। आपको जैसा भी सीक्वेंस इसका ठीक लगता है आप उसको उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। बट इसको बनाने का तरीके में आप ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि एक तो बीट्स सेम होनी चाहिए और गैपिंग नहीं होनी चाहिए। अब देखिए इसमें हमें डोरी भी अटैच करनी पड़ेगी। तो डोरी अटैच के लिए हम क्या करेंगे, हम लेंगे हेड पिन। दो हेड पिन ली मैंने, और ये जो मैंने बीच वाला सेंटर पॉइंट इसका छोड़ा हुआ था उसमें ये मैं डालूंगी ऐसे। ये लगाने के बाद इसमें हम जंप रिंग डाल देंगे ताकि डोरी को लगा सकें।
अब हमारी डोरी भी लग गई है। तो ये जो सेट है हमारा, ये पूरा बन के रेडी है। देखिए ये इसका फाइनल लुक है, इस तरह से इसका ये फाइनल लुक है, और जो एक हैवी लुक दे रहा है। और फ्रेंड्स बनने में भी इजी है, बस आपको इसके बीड्स कनेक्टर का ध्यान रखना है, अदरवाइज़ ये अच्छा है। एक बार हम इसका डम्मी लुक भी देखते हैं कि कैसा लगेगा ये डम्मी पे। तो फ्रेंड्स देखिए ये है इसका डम्मी लुक एंड और बहुत ही सुंदर है ये। इस तरह से इसका पूरा का पूरा डम्मी लुक आएगा। देखिए सिंपल आपका लॉन्ग नेकलेस है और इजी है बनाने में, आप मॉडिफाई कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। एक ये प्रोसेस जो होता है वो आपको पता चल गया और इजीली आप इसको बना सकते हैं। तो अगर आप इसे ट्राई करते हैं तो प्लीज़ मुझे मेरे इंस्टा पे ज़रूर मुझे बताइएगा। और अगर आपको मेरे कोई भी कोर्सेज ज्वाइन करने हैं तो उसके लिए भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी बहुत अच्छी अच्छी तो फ्रेंड्स आज की वीडियो कैसी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को, मोटिवेशन मिलता है इससे। एंड थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस। फ्रेंड्स होपफुली आज की वीडियो काफ़ी आपके लिए यूज़फुल रही होगी। अगर यूज़फुल रही है तो प्लीज़ आप इसे ट्राई कीजिए। ट्राई करते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर टैग कीजिएगा, मैं उसे रिव्यू करूँगी, देखूँगी कि आप लोगों ने कैसा बनाया है। इंस्टाग्राम का जो आईडी है, लिंक है मेरा नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ उसके लिए भी मुझे बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।